गाइस, आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं। स्पेशल बोल सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो हम बना रहे हैं, जो कटहल की रेसिपी है, ये कटहल है, आज सुबह मॉर्निंग में लिया था मम्मी ने और आज इसकी रेसिपी बनेगी, होम रेसिपी। कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आप नॉर्मल से बना सकते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप कटहल की रेसिपी बना सकते हैं घर में बैठे बैठे इस लॉकडाउन में। आराम से आप घर में बनाइए, आराम से खाइए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जितना आप बाहर घूमेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, उतना आपके लिए साइड इफेक्ट की तरह काम करेगा वो आपका। इससे अच्छा है कि आप घर का बनाया हुआ खाना खाएँ, शुद्ध खाना खाएँ। तो आज आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से कटहल को छिला जाता है और किस तरीके से इसकी रेसिपी बनती है। आप पहले अपने हाथों में सरसों का तेल अच्छे से लगा लें, ठीक है, क्योंकि आप अगर सरसों का तेल अच्छे से नहीं लगाएंगे अपने हाथों में तो जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो वाइट वाइट सा है, इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं चोक। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, अगर वो ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये पूरे आपके हाथों में लग जाएगा और ये निकलेगा नहीं। तो बेटर है कि आप जिस भी थाली में या जिस प्लेट में छिल रहे हैं और चाकू पे भी ऑयल लगा लें अच्छे से, ताकि वो रिमूव हो सके, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसको छिलना है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको छिल सकते हैं बड़े ही आसानी से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इसको छिलेंगे नहीं तो ये क्या होगा कि आप जब इसे पकाएंगे तो ये आपके ढंग से पकेगा नहीं और टेस्टी नहीं होगा उतना। तो बेटर है आप इसे अच्छे से छिल लें। आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा ऑनियन है, टमेटो है, ग्रीन चिल्ली है और प्याज है, सबका हल्का सा फ्राई करना है ऑयल में, ठीक है। उसके बाद इसका पेस्ट बनेगा और ये कढ़ाई, इसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है, इसमें अभी हमारा जो मैंने अच्छे से बारीकी से काटा हुआ है और आपका कटहल उसमें फ्राई करना है, उसके बाद आपकी रेसिपी तैयार होगी। आपका ऑनियन हो गया, आपका जिंजर गार्लिक हो गया, ठीक है। ये सारा को हमने अच्छे से ऑयल में थोड़ा फ्राई कर दिया ताकि इसमें से अच्छे महक हट जाए। और ये जो कटहल है, इस कटहल को हमने रिफाइंड तेल में अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद हम रेसिपी बनाएंगे। देन जैसे ये अच्छे से इसमें से कच्चेपन की स्मेल हट जाएगी, उसके बाद हम इसको ग्राइंडर करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो ग्रेवी है, ठीक है, अब इसमें ये जीरा डाला है थोड़ा, ठीक है, पेस्ट बनाया था जिंजर गार्लिक और ऑनियन चिल्ली का, ये पेस्ट इसमें डालना है। उसमें हमने डाल दिया है, मिक्स करना है इसको अच्छे से, पहले इसे पकाना है अच्छे से ताकि ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए। तो खाने में आपका टेस्ट आए, अभी अच्छे से पक जाएगा, यानी 5 से 10 मिनट बाद इसमें जो हमने कटहल को फ्राई किया था उस कटहल को इसमें डाल देना है। अब इसमें हम कटहल को डालेंगे और जो मसाला है वो हमने ऑलरेडी पहले मिक्स कर दिया था ग्राइंडर के साथ में, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स करना है, 2 से 3 सीटी आने देनी, उसके बाद ये पक जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो कटहल का रेसिपी था वो तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की हमारी ये रेसिपी? प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए जय।